हेलो दोस्तों, अगर आप भी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं एंड सारे टेस्ट एंड मेडिसिंस लेके थक चुके हैं तो आपको बिल्कुल भी डिप्रेस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी प्रूवन नेचुरली होम रेमेडी लेके आई हूँ जिससे बहुत सारे लोगों को सक्सेस मिला है कंसीव करने में। आपको भी ये सक्सेस मिल सकता है। इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा बिना स्किप किए हुए, ताकि आप प्रोसेस को अच्छे से समझ सकें कि ये हमें कैसे लेना है या हमें इस प्रोसेस को कैसे करना है। मेरा नाम है अर्चना, वेलकम टू माय चैनल द वुमेन कनेक्शन। गाइस, आज मैं आपको सीड साइक्लिंग के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा एंड इससे आपका हार्मोन्स बैलेंस होगा, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल जो कंसीव करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो आपका लेवल हो जाएगा एंड आपका पीसीओडी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे। सो एक बार ये रेमेडी को ज़रूर ट्राई करिएगा। पर गाइस, इसके लिए आपको आपकी पीरियड्स की साइकिल को पहले समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो हम अपने पीरियड्स की साइकिल को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट होता है आपका फर्स्ट डे ऑफ पीरियड से 14th डे ऑफ पीरियड, यानी कि आपके ओवल्यूशन के डे तक। सेकेंड पार्ट होता है आपका 5th डे से नेक्स्ट पीरियड आने तक। तो ये 2 पार्ट में हम पीरियड्स को डिवाइड करेंगे। इसी के हिसाब से हमें जो है सीड्स लेने हैं। फर्स्ट पार्ट में 2 फेज होते हैं। पहला होता है जो 1 से 5 दिन आपका पीरियड चलता है वो वाला फेज, एंड सेकेंड होता है 6th डे से 14th डे तक। जो पहला वाला फेज होता है 5 दिन का, वो हमें क्यों होता है? क्योंकि जब हमारा इम्प्लांटेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तब हमारी एंडोमेट्रियम लाइन जो है वो श्रेड ऑफ होके पीरियड्स के रूप में निकल जाती है। ये हो गया हमारा फर्स्ट फेज, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सेकेंड फेज जो 6th डे से स्टार्ट होता है ओवुलेशन के डे तक। इसे कहते हैं फॉलिकुलर फेज। इस फॉलिकुलर फेज में जो हमारे फॉलिकल्स होते हैं, जिसे हम नॉर्मल भाषा में एग्स कहते हैं, इन एग्स की ग्रोथ होती है, हमारी एंडोमेट्रियम लाइन की अगेन ग्रोथ होती है, ताकि अगर हमारा इम्प्लांटेशन हो, फर्टिलाइजेशन हो, तो एम्ब्रियो जाकर उस एंडोमेट्रियम लाइन से चिपक जाए। ये फॉलिकुलर फेज में ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड उसके बाद आता है सेकेंड पार्ट जो होता है आपके 15th डे से नेक्स्ट पीरियड आने तक, जिसे ल्यूटल फेज कहते हैं। ये तो हो गई पीरियड्स की साइकिल की बात। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि सीड्स हमें कौन से लेने हैं, कब लेने हैं और कैसे लेने हैं। सो मैंने आपको जब आपके पीरियड का फर्स्ट पार्ट बताया था, मतलब कि आपके पीरियड के फर्स्ट डे से जो 14th डे तक का जो टाइम है, उस टाइम पे आपको 14 दिन ये 2 टाइप के सीड्स लेने हैं। पहला है फ्लैक्स सीड्स एंड दूसरा है पम्पकिन सीड्स। इन दोनों सीड्स को आप अच्छे से ग्राइंड करके इसका पाउडर बना के एक अच्छे से कंटेनर में रख लीजिए। उसके बाद आप इसे 14th डे तक ब्रेकफास्ट के टाइम पे 1-1 चम्मच आपको ये दोनों सीड्स लेने हैं। एक भी दिन आपको स्किप नहीं करना है। आप चाहे तो इसे अपने ओट्स में या चीला में या किसी भी चीज़ में, दूध में भी मिला के भी आप इसे ले सकते हैं, बट आपको 14th डे रेगुलर इसे लेना है। कभी ऐसा होता है कि आप कहीं बाहर चले गए या किसी दिन भूल गए, तो ऐसा नहीं है कि आपको इसके नेक्स्ट डे आपको ज़्यादा डोज लेना है, बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है। जैसा आपको मैंने बताया है, 1 स्पून ही दोनों को लेना है। उसके बाद आपको 15th डे से ये दोनों सीड्स को बंद कर देना है और 2 नए सीड्स लेने हैं, जो कि है सनफ्लावर सीड्स एंड सेसेमे सीड्स। ये दोनों को भी सेम ऐसे ही प्रोसेस करना है, ग्राइंड करके आप अच्छे से कंटेनर में रख लीजिए। उसके बाद इन दोनों को भी ब्रेकफास्ट के टाइम पे 1-1 चम्मच आपको लेना है। ये डेली लीजिए आप 15 डे नेक्स्ट पीरियड आने तक। ऐसा आप 1-2 महीना करके देखिए, आपको इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपको अपने अंदर। किसी किसी को तो 1-2 मंथ में ही कंसीव हो गया ये नेचुरली होम रेमेडी करने से। ये रेमेडी बहुत ही अच्छी है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। ये एक रिसर्च रेमेडी है, इसलिए इसे एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इससे कोई फ़ायदा पहुंचा या नहीं। आप इसे रेगुलर 2-3 मंथ्स ट्राई करिएगा, कभी कभी 1 महीने में ही चमत्कार हो जाता है। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। सो चलिए, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।